आज हम कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल के सात मुख्य पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, कस्टर्ड एप्पल जिसे सीताफल, शुगर एप्पल और ऐसे कई नामों से भी जाना जाता है, यह एक अत्यंत स्वादिष्ट फलों में से एक है। जब आप इसे काटते हैं तो यह काफी सुगंधित होता है। एक बार जब आप महसूस करते हैं कि इसका मलाईदार सफेद मांस कितना स्वादिष्ट है, तो आप मौसम में इन फलों का नियमित रूप से आनंद लेना चाहेंगे। तो चलते हैं हमारे पॉइंट्स के ऊपर। हमारा पहला पॉइंट है, आप कैसे बता सकते हैं कि सीताफल पका हुआ है या नहीं। तो पहले रंग की तलाश करें। एक अच्छी गुणवत्ता का संकेत है पका हुआ सीताफल के चारों ओर एक हल्का हरा रंग का होना। यदि फल गहरे हरे रंग का है तो यह इंगित करता है कि यह अभी कच्चा है। सीताफल पका हुआ होता है अगर बहुत धीरे से दबाने पर थोड़ा सा दबाव देता है, यह दर्शाता है कि यह अभी खाने के लिए तैयार है। अगर सीताफल कच्चा है या स्पर्श करने में मुश्किल हो रहा है तो इसे खरीदना अभी भी अच्छा है, लेकिन खाने से पहले कई दिनों तक घर पर इसे पकने दें। अब प्रश्न यह उठता है कि इसे तोड़ा कब जाए। क्या सीताफल पेड़ पर पकते हैं? सीताफल को सख्त होने पर तोड़ा जाता है और कमरे के तापमान पर तब तक पकने दिया जाता है जब तक यह हल्का दबाव ना दें। अब ये क्यों? यदि इसे बहुत लंबे समय तक पेड़ पर छोड़ा दिया जाता है तो यह फट जाएगा या विभाजित हो जाएगा, इसलिए इसके तने से काटने की जरूरत है बजाय इसके कि यह झड़ जाए। हमारा तीसरा पॉइंट है, अगर सीताफल कच्चा है तो उसे पकाया कैसे जाए। पहले पका हुआ और कच्चा सीताफल को अलग अलग कर लें, क्योंकि कच्चे फलों को पकने की आवश्यकता होती है। पकाने के लिए इसे कमरे के तापमान पर फलों के कटोरी में या किचन बैग पर छोड़ दें। अगर आपको इसे जल्दी चाहिए तो इसे 24 घंटे के लिए केले के साथ एक पेपर बैग में डाल दें और यह जल्दी पक जाएगा। अगर आप मार्केट से लेते हैं तो कुछ दोषों की जांच जरूर करें। यहाँ कुछ काले धब्बे होने की उम्मीद है क्योंकि यह एक नाजुक फल है। यात्रा के दौरान या संभालने के परिणाम स्वरूप कुछ निशान दिखाई देंगे क्योंकि फल आसानी से फट जाते हैं। ये छोटे निशान आमतौर पर अंदर की मांस की स्थिति को प्रभावित नहीं करते हैं और अंदर का मांस अभी भी बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला होगा, लेकिन काले या बैंगनी रंग के फलों से बचें क्योंकि यह अब ताजा नहीं है और सड़ा हुआ भी हो सकता है। सीताफल कब खाना चाहिए? रात के खाने, दोपहर के भोजन आदि से 30 मिनट पहले सीताफल खाना आपके पाचन को बढ़ावा देने में मदद करता है। सीताफल को ठंडा करने वाले फलों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए यह सबसे अच्छा है कि मौसम ठंडा होने पर या जब आप किसी बीमारी से पीड़ित हों तो उन्हें ना खाएं। क्या सीताफल को फ्रिज में रखा जा सकता है? एक बार पकने के बाद सीताफल कमरे के तापमान पर लंबे समय तक नहीं रहेगा, खासकर गर्म कमरे में नहीं, तो इसे फ्रिज में 3 दिनों तक रख सकते हैं। हालांकि खाने से पहले इसे फ्रिज से निकलने के बाद कम से कम 5 मिनट तक खड़े रहने दें, यह सुनिश्चित करेगा कि इसका स्वाद सबसे अच्छा है। हमारे सातवा पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट है कस्टर्ड एप्पल के फायदे। विटामिन सी के साथ साथ ये कम जीआई होते हैं और प्रोटीन, फाइबर, खनिज और विटामिन से भरे हुए हैं। इनके और भी कई सारे फायदे हैं। हमारे आंखों की रोशनी बढ़ाता है, यह हमें थकान से लड़ने में मदद करता है, प्राकृतिक कैंसर विरोधी गुणों का दावा करता है और बेहतर मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए सीताफल को बहुत ही अच्छा माना जाता है। सीताफल हमारे त्वचा को जवान रखता है और उम्र बढ़ने में देरी करता है। एक ताज़ा 100 ग्राम सीताफल में ये सब शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।